हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अररिया से जो रितियाँ निकल कर आई थी, जिसको कि परसों आप लोगों ने देखा होगा, जो पीडीएफ था जिसमें प्रत्येक ज़िले की रितियाँ दी गई थी और 38 जिलों की रितियों को मिलाकर 129,000 रितियाँ दी गई थी। इन रितियों में अररिया की रितियाँ 2100 के करीब में थी, इसको अपडेट कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा प्राधिकारी अररिया की तरफ से लेटर है और ये 16/7 का ही लेटर है। इसमें आपको लिखा गया है जो अलग अलग कैटेगरी में रिक्तियाँ मांगी गई थी, इन सारी रिक्तियों को भेजा जा रहा है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, नीचे हम लोग दिखा रहे हैं आपको। आरटी के तहत छात्र शिक्षक के अनुपात में विद्यालयवार गणना के आधार पर जो आवश्यकता है वो 1:5 में 3802 है, 6:8 में 2704 है, यानी कि टोटल 6506। छठे चरण की अवशेष रिक्ति जो है वो है आपको टोटल 1918। रिटायरमेंट के कारण जो रिक्ति है या त्यागपत्र के कारण वो 122। उपरोक्त के आधार पर रिक्ति 1+2+3 टोटल रिक्तियाँ 4710 हैं, यानी कि पहले जो रिक्तियाँ आपको 2100 दिखाई जा रही थी वो अब रिक्तियाँ 4710 टोटल रिक्तियाँ हैं अररिया से। दूसरी बात यह है, जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को देखने के लिए है कि आज के अखबारों में जो छपा है वो भी आपको दिखाएं कि बीटेट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई को करेंगे महाआंदोलन। अब ऐसे समय में जब सातवें चरण का शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है, नोटिफिकेशन आपको कभी भी दिखाई पड़ सकता है, ऐसे समय में बीटेट अभ्यर्थी जो हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बीटेट का आयोजन करवा दिया जाए, जबकि सीटेट के एग्ज़ाम का नोटिस भी आ चुका है। ये छपा है आज के अखबारों में, देख सकते हैं आप। बीटेट अभ्यर्थियों की मांगें लगातार जारी हैं। अभ्यर्थियों ने घोषणा कर दी है कि अब 22 जुलाई को महाआंदोलन होगा। प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन ने कहा है कि सोमवार को महाआंदोलन राष्ट्रपति चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई, अब नई तिथि 22 जुलाई यानी शुक्रवार को निर्धारित की गई है। बीटेट अभ्यर्थी 14 जून से लगातार सरकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, इसी अखबार की कटिंग में लिखा हुआ है कि लगातार 14 जून से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है, इस बात को भी स्पष्ट हो जाए। जो बीटेट अभ्यर्थी भी अगर देखते हैं, प्रत्येक दिन आप लोगों के मैसेज आते हैं कि आप हम लोग का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं, यहीं पर स्पष्ट हो जाए। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे पास पहले से ही बीटेट और सीटेट पास पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट उपलब्ध हैं, इसलिए हम सातवें चरण के बाद बीटेट की जो परीक्षा है इसका आयोजन करेंगे। तो अब तो सीटेट का भी नोटिस आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर के हैं, तो सीटेट का आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 दिसंबर में सीटेट की परीक्षा होगी और इसे आप पास कर लेते हैं तो आप 8वें चरण में आराम से भाग ले सकते हैं। तो 7वें चरण में हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज दिन भर ऐसे ही खबरों के साथ आपसे मुलाकात लगातार होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।